सरकार बनाने के मुद्दे पर एनसीपी नेता शरद पवार आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मामले में पुणे में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें शरद पवार समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। करीब दो घंटे चले इस बैठक के बाद एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि एनसीपी चाहती है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हो, जल्द से जल्द सरकार बने। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वहीं जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये है कि एनसीपी, कांग्रेस और जो शिवसेना है वो मिलकर सरकार गठन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जो बयान सामने आते रहे हैं नेताओं की तरफ से, उसमें यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो उद्धव ठाकरे होंगे, लेकिन अभी तक तस्वीरें पूरी तरह से साफ नहीं हुई हैं कि आखिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होगा कौन, क्योंकि ये सवाल जो है वो चुनाव के नतीजे आने के बाद से बना हुआ है। और इसी के बीच में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन भी टूट गया और साथ ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया। SPN 9 न्यूज़ रूम से नाजमीन की रिपोर्ट।